एक बड़ा बयान और एक बड़ा तीखा प्रहार खड़गे जी ने मोदी जी पर किया है, और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि मोदी जी इज नॉट एन ऑटोक्रैट, ही इज नॉट अ डिक्टेटर, लेकिन वो लोगों ने उनको चुना है और चुनकर वो लेकर आए हैं, और बतौर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर वो चुनकर आए हैं, इसलिए उनके लिए इस तानाशाह वाली जो भाषा है या फिर डिक्टेटर वाली जो भाषा है वो उनको सूट नहीं करती है। तो ये बात उन्होंने कही थी। साथ में उन्होंने ये भी कहा, जिसको मैंने आपको बताया, कि 2024 का जो रोड मैप है प्लीनरी सेशन के पहले, एक तरीके से एक छोटी झलक खड़गे जी ने उस नागालैंड की रैली में देने की कोशिश किया है। एंड ही हैज वेरी क्लियरली सेड दैट इन 2024 द अलायंस गवर्नमेंट विल कम टू पावर और कांग्रेस उसको लीड करेगी, यानी कि जो महागठबंधन की सरकार या गठबंधन की सरकार जो भी आएगी 2024 में, तो उसकी अगुवाई कांग्रेस ही करेगी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि हम सारी पार्टी से इस समय बातचीत कर रहे हैं, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम पार्टी से इस समय बातचीत नहीं करते तो लोकतंत्र और संविधान का कोई ख्याल नहीं रखेगा। यानी कि बार बार खड़गे जी का जो निशाना है बीजेपी पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, वो इसी बात को लेकर पूरा आधार उनका है कि ये एक ऐसी सरकार है जिसके लिए ना लोकतंत्र के कोई मायने हैं, ना संविधान के कोई मायने हैं। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम खुद हर एक पार्टी को फोन कर रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके व्यूज ले रहे हैं कि आखिर 2024 का चुनाव कैसे लड़ा जाए। और फिर उन्होंने अंत में ये बोला है कि बीजेपी विल नॉट गेट अ मेजोरिटी, यानी कि बीजेपी को 2024 में मेजोरिटी नहीं मिलेगी, और जितनी भी पार्टीज हैं ये सारी एकजुट होंगी, उस गठबंधन की सरकार की अगुवाई कांग्रेस करेगी। और उन्होंने कहा है कि वो जो सरकार बनेगी गठबंधन की, उसके लिए संविधान से बड़ा कुछ नहीं होगा और हम लोकतांत्रिक सिद्धांतों का पालन करेंगे। और फिर उन्होंने वही कहा जो मैंने आपको इससे पहले कहा था कि लेट 100 मोदीज एंड शाहज कम बट दिस इज इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी कि ऐसे 100 नरेंद्र मोदी और अमित शाह आकर चले जाएंगे लेकिन भारत का जो संविधान है वो बहुत मजबूत है। और इस पूरे बयान को अगर आप जॉइनिंग ऑफ द डॉट्स करें तो नीतीश कुमार के ही इस बयान से जुड़ा हुआ है, जहां पर नीतीश कुमार ने एक तरीके से कांग्रेस को जगाने की कोशिश की, और उनका ये कहना था कि देखिए भाई कांग्रेस जल्दी उसको जो भी करना है वो जल्दी करे, क्योंकि वरना टाइम हाथ से निकल जाएगा। और फिर आपको पता है, यानी कि इशारा ये था कि बीजेपी की सरकार फिर से 2024 में बन जाएगी, यानी कि जो शेकअप का काम नीतीश कुमार ने किया उसी को आगे बढ़ाया पहले जयराम रमेश ने, और फिर अब जो ये खड़गे जी का बयान है ये प्लीनरी सेशन के पहले एक बहुत महत्वपूर्ण बयान है, क्योंकि ये दर्शाता है कि जो ऑपोजिशन यूनिटी यानी कि विपक्षी एकता को लेकर पार्टी का रोड मैप क्या है उसको लेकर एक तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। अब ये पोस्ट पोल अलायंस होगा, प्री पोल अलायंस होगा, ये शायद प्लीनरी सेशन के दौरान पता चलेगा। लेकिन ऐसे बयान के बीच में जो बहुत रोचक होगा जानना कि जो आम आदमी पार्टी है या बीआरएस है जो केसीआर की पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय समिति पार्टी, या फिर तृणमूल कांग्रेस जिन्होंने कांग्रेस से अपनी दूरियां बनाई हैं, ये पार्टीज ऐसे में क्या करेंगी, क्या ये अलग थलग पड़ जाएंगी? अगर मान लीजिए ऐसी कोई विपक्षी एकता की धुरी हमें बनती हुई दिखती है तो ऐसे में तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीआरएस क्या करेंगे, इसको लेकर अभी फिलहाल कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने अपना जो एक स्टैंड है उसको बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर किया है कि द ऑपोजिशन यूनिटी हैज टू बी बिल्ट अराउंड कांग्रेस, देयर इज नो ऑप्शन, देयर विल बी अ गठबंधन सरकार एंड द कांग्रेस विल बी लीडिंग दैट गवर्नमेंट। ये बड़ी बातें उनके इस बयान से निकल कर आई है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ये जो बयान है खड़गे जी का वो ना ममता बनर्जी को अच्छा लगेगा, ना केजरीवाल को अच्छा लगेगा और ना ही केसीआर को अच्छा लगेगा, क्योंकि उनका एक अलग सपना है, वो एक अलग पैरेलल पर इस समय चल रहे हैं। लेकिन जो एक विपक्षी एकता की एक तस्वीर खड़गे के कल इस बयान से निकल कर आई है, जो वो नागालैंड में बोल रहे थे, नागालैंड में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव में जो जो नागालैंड की जो जनता है उनको बार बार खड़गे जी ने बताने की कोशिश किया है कि जो ईसाइयों पर, जो वहां पर क्रिश्चियन डोमिनेटेड एरियाज है नागालैंड में, तो किस तरीके से क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक्स बढ़ गए हैं, और ये इसीलिए है क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसको कि माइनॉरिटीज का बिल्कुल ख्याल नहीं है। इस बात को बार बार उन्होंने दोहराने की कोशिश की है। तो खड़गे जी का ये बड़ा बयान बीजेपी को
बीजेपी का इससे पसीना छूट सकता है, बीजेपी इसको लेकर कैसे और तैयार होगी, कैसे और मजबूत होगी। लेकिन सबकी निगाहें टिकी होंगी छत्तीसगढ़ के प्लीनरी सेशन में, रायपुर में, यानी कि 25, 26 और 27 ये तीन दिन का जो सेशन है उसमें कांग्रेस किस तरीके का रोड मैप लेकर आती है। बहुत सारे रेजोल्यूशन हमें बताए गए हैं कि उस पर सिग्नेचर्स हो रहे हैं, हस्ताक्षर हो रहे हैं। ऑपोजिशन एकता जो, यानी कि जो विपक्षी एकता है, वो भी एक रेजोल्यूशन का हिस्सा है। तो क्या कुछ निकल कर आएगा उससे जुड़ी हुई भी खबरें मैं आने वाले दिनों में आप तक लेकर आऊंगी। लेकिन खड़गे जी का ये एक बड़ा बयान काफी महत्वपूर्ण है और एक तस्वीर दिखाता है प्लीनरी सेशन के पहले कि विपक्षी एकता पर अगर ये इंप्रेशन हो रहा है कि शायद विपक्षी पार्टीज कुछ नहीं कर रही हैं, कुछ नहीं बोल रही हैं, तो नैरेटिव एक तरीके से शुरू हो गया है। अगर खड़गे जी ने ये बीड़ा उठाया है कि कांग्रेस के साथ वो सारी पार्टीज को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक पैरेलल नैरेटिव भी चल रहा है। यानी कि जैसे विपक्षी पार्टीज की जो डिमांड है कि आप कास्ट सेंसस को लेकर आइए, उधर रामचरितमानस को लेकर भी काफी उतल पुतल चल रही है कि देखिए किस तरीके से जो पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको दबाया जाता है। और उसका एक उदाहरण है रामचरितमानस, कि रामचरितमानस की जो कुछ लाइंस हैं उनके अंश हटाने को लेकर एक डिमांड भी शुरू हो गई है कई क्वार्टर से। तो ये जो हर तरफ से एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है, तो वाकई में से लगता है कि विपक्ष अभी एकदम चुप और हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठा है। कुछ न कुछ सरगर्मी जरूर चल रही है, लेकिन इस सरगर्मी को कितनी सफलता मिलती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये बनता हुआ एक बनती हुई तस्वीर जरूर सामने नजर आ रही है कि कांग्रेस के बिना विपक्षी एकता के कोई मायने नहीं है। और खड़गे जी ने गरजते हुए एक तरीके से कहा है कि 2024 में गठबंधन की सरकार बनेगी जिसमें कि कांग्रेस की अगुवाई होगी, यानी कि कांग्रेस विल बी सीन इन अ प्रिंसिपल रोल इन द डेज टू कम। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ क्यू वाइव नेटवर्क पर। थैंक यू।